इस वीडियो में बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि जो केवीएस है, केवीएस का जो एग्जाम प्राइमरी टीचर के लिए होने वाला है, तो उसका थोड़ा सा सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे कि पैटर्न किस टाइप का रहता है। तो देखिए, जो केवीएस है उसका जो प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम रहता है, पीआरटी का जो एग्जाम रहता है, तो उसका जो एग्जाम टोटल रहेगा, रिटर्न एग्जाम जो रहेगा, वो 180 मार्क्स का रहेगा, 180 मार्क्स का रहेगा। और 180 ही क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स होंगे, 180 ही क्वेश्चन होंगे। अब 180 क्वेश्चन, तो यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, तो 180 क्वेश्चन है और 180 ही मिनट आपके पास है, यानी कि 180 मिनट यानी कि 3 घंटे आपके पास है। तो वही यहाँ मेंशन किया हुआ है। रिटन टेस्ट जो है 180 नंबर का होगा, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होंगे आपके पास, जिनका एक नंबर होगा। तो ड्यूरेशन है रिटन टेस्ट का, वो 180 मिनट है और इंडिविजुअल सेक्शंस में कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो अब देखते हैं कि पैटर्न कैसा रहेगा। देखिए, सेक्शन सबसे पहले इसमें पार्ट नंबर वन की बात करते हैं। पार्ट नंबर वन में आपकी लैंग्वेज आ गई, तो लैंग्वेज में 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की जनरल हिंदी। अब पार्ट टू में बात करते हैं, पार्ट टू में आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए, फिर रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी जो रहता है, कंप्यूटर्स आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट टू टोटल आपका 20 नंबर का है, या हम तो 20 नंबर का है, जिसके अंदर 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी यानी कि जीके आएगी या फिर करंट अफेयर आएंगे, और 5-5 नंबर की रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी आएगी। तो पूरा 20 नंबर बन गया, 10 नंबर की जीके, 5 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर की कंप्यूटर लिटरेसी। इसके बाद जो पार्ट नंबर 3 है, वो है आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि शिक्षा और नेतृत्व के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो उनसे रिलेटेड 60 क्वेश्चन है। मेनली जो आपने टीचिंग में आपका टीचिंग कोर्स के दौरान जो पढ़ा हुआ है, तो मेनली टीचिंग से रिलेटेड ही इसमें चीजें आनी है, 60 नंबर की, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 3 में 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर होंगे। इसके अंदर क्या क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 नंबर की, लर्नर के बारे में, ठीक है, जो सीखने वाला है उसको, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचर लर्निंग, क्रिएट कंडक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट, सीएलई, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप 10 नंबर, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 नंबर। यानी कि कुल मिलाकर कहने का ये तो आपका सारा टीचिंग से रिलेटेड ही है। ऊपर का जो पोर्शन था उसमें क्या था, वही 10 नंबर की हिंदी आ गई, 10 नंबर की इंग्लिश आ गई, ये तो कॉमन है, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई 10 नंबर की। अब फिर इसके बाद यानी कि पार्ट ए के आपके 20 नंबर हो गए थे, पार्ट टू के भी आपके 20 नंबर हो गए थे, जिसमें जीके 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की और कंप्यूटर 5 नंबर का, तो 20 नंबर यहां से हो गए थे। अब ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट 3 और पार्ट 4 है। पार्ट 4 तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो 80 नंबर का है, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका रहेगा, ठीक है। तो 80 नंबर पार्ट 4 के हो गए और 60 नंबर यहां से हो गए, जो कि आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसमें अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग से 15 नंबर के आएंगे, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट से 10 नंबर के आएंगे, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप से 10 नंबर के, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से 10 नंबर के, यानी कि टोटल 60 नंबर बन गए, 10 10 10 30 और 15 45 और 15 60। तो यानी कि आपका इस तरीके से, अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बनाऊं तो किस तरीके से बन रहा है, तो इसके समरी मैं बना देता हूं। समरी किस तरीके से है, समरी ये है कि भाई पेपर के अंदर है 4 सेक्शन, पार्ट सेक्शन नंबर ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, यानी कि इसको आप 1 2 3 और 4 इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। अब सेक्शन नंबर ए जो है वो है आपका 20 नंबर का, जिसमें हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, हिंदी के 10 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन नंबर बी जो है वो भी आपका 20 नंबर का, ये किस तरीके से है कि जीके और जीए जो है, जनरल अवेयरनेस और जीके, तो होगी आपकी 10 नंबर की, और फिर यहां से कंप्यूटर्स और जो रीजनिंग है वो होगी 5-5 नंबर की, कंप्यूटर और रीजनिंग 5-5 नंबर की। तो यानी कि 20 नंबर का आपका पार्ट
टू हो गया 20 नंबर का पार्ट ए हो गया। अब बचा हुआ जो पार्ट सी है वो है 60 नंबर का, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग और ये सारी चीजें हैं। तो और पार्ट नंबर फोर जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो वो 80 नंबर का है। तो इस तरीके से आपके टोटल 20 और 20, 40 40 और 60, 100 100 और 80 180। तो 180 नंबर का 180 क्वेश्चन होंगे, 180 ही नंबर होंगे और 180 ही मिनट होंगे, यानी कि 3 घंटे में आपको पेपर को पूरा करना है।